तो बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली एफकैट की मेरिट लिस्ट आ चुकी है और ऑब्वियसली बहुत जगह से अपडेट आपको मिल गई होगी, बट मैं आज डिटेल लेके आपके सामने आया हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम ग्रेजुएशन लेवल पे किसी बेहतरीन एयरफोर्स एंट्री की बात करते हैं, उसमें एफकैट के नाम को कैसे भूल सकते हैं। हर 6-6 महीने पे प्रॉपर एग्जाम का कंडक्ट होना, मंथ ऑफ फेब, मंथ ऑफ अगस्त, बिल्कुल बैक टू बैक एग्जाम होना और फाइनली एग्जाम के बाद एयरफोर्स एकेडमी का हिस्सा बनना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और कमाल की बात है, केवल फ्लाइंग की ही अपॉर्चुनिटी नहीं, साथ ही साथ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की भी अपॉर्चुनिटी, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की भी अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन ब्रांच के लिए स्पेशली, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के लिए स्पेशली, और साथ ही साथ मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए भी स्पेशल अपॉर्चुनिटी। और जो भी एनसीसी एयरफोर्स विंग से हमारे किए हुए बच्चे हैं, उनके लिए भी रिजर्व सीट्स का आना, उनका भी इस एग्जाम में अपीयर होना और फाइनली एसएसबी के थ्रू एनसीसी विंग से होते हुए उस बेनिफिट को लेते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित करना। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जितने भी फ्यूचर हमारे फ्लाइंग ऑफिसर होने जा रहे हैं या हमारे जो ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं जो है इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत। बिल्कुल आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा है डुंडिगल हैदराबाद में और बिल्कुल हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज एफटीसी में भी जबरदस्त आपका स्वागत होने वाला है। तो बिल्कुल आज मेरे सामने पूरा रिकॉर्ड एंड लिस्ट आ चुकी है। फ्लाइंग ब्रांच के मोटा मोटा मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में अराउंड 49 शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आप सबको। एंड ऑब्वियसली जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे जो हैं वो अविन जॉन हैं एंड सेकंड पे आदित्य कुमार सिंह, थर्ड पे हमारे हैं अजय जो है तांडाइक एंड अनुराग तिवारी फोर्थ में एंड फिफ्थ में हमारे साथ हैं अर्जुन अभिजीत महाजन। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। इसी तरह 49 कैंडिडेट्स ने अपना नाम जो है इसमें दर्ज किया है, उतने ही बॉयज़ ने भी किया है, उतने ही गर्ल्स ने भी किया है। दैट मीन बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ने मिलकर फ्लाइंग ब्रांच में अपने नाम को अंकित किया है। साथ ही साथ जब मैं टेक्निकल ब्रांच में आता हूँ और स्पेशली मैकेनिकल में मैं जब परमानेंट कमीशन की बात करता हूँ तो बिल्कुल 5 कैंडिडेट ने अपना नाम उसमें अंकित किया है, जिनमें जो है आकाश उपाध्याय हैं, आदित्य शर्मा हैं, चिराग शर्मा हैं एंड विवेक सिंह हैं, सैक आलिम साहेबलाल है। साथ ही साथ अगर मैं मैकेनिकल में ही टेक्निकल ब्रांच में जाऊं तो जब मेल एंड फीमेल शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में देखता हूं दोनों को, तो आई थिंक 20 कैंडिडेट्स ने बॉयज एंड गर्ल्स ने अपने स्पेस को इसमें बनाया है। लिस्ट बगल में आपको दिखाई दे रही होगी, बड़े बड़े में दिख रही है। तो बिल्कुल बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन एमकेसी परिवार की तरफ से आप सबको। वहीं जब हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच की बात करते हैं तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे हैं, बिल्कुल 18 बच्चों ने पीसी में अपनी जगह बनाई है जो कि ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है। बट वहीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में अगर हम मेल एंड फीमेल दोनों को देखते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, तो टोटल जो है इसमें अराउंड 47 कैंडिडेट्स ने अपनी जगह बनाई है। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन देश के जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं, मुझे लगता है कि इन्हें फोर्स में सर्व करने का एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। वहीं हम जब नॉन टेक्निकल कैटेगरी में जाते हैं, फ्लाइंग के बाद टेक्निकल, टेक्निकल के बाद नॉन टेक्निकल, तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में आएंगे जहाँ पे देखते हैं हम पीसी में आपके 7 टोटल दिखाई दे रहे हैं एंड साथ ही साथ जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी मेल फीमेल दोनों की बात कर ले तो इनकी भी संख्या थोड़ी बड़ी है। ये ऑलमोस्ट हमें जो है 34 कैंडिडेट्स दिखाई रहे हैं। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जो भी नॉन टेक्निकल ब्रांच की कैटेगरी में जाते हैं, सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स। और उसी के साथ साथ एजुकेशन ब्रांच पीसी में भी 2 नाम ऐड किए गए हैं, एक तो हमारे अनक्यूज सिंह हैं, दूसरे मेहुल गुप्ता हैं। बट वहीं अगर हम जब मेल फीमेल दोनों की शॉर्ट सर्विस कमीशन एजुकेशन ब्रांच में बात करते हैं तो 16 जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स ने अपनी जगह बनाई है, बट इसमें गर्ल्स ने फिर से एक बार विजय हासिल की है एजुकेशन ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में। फाइनली मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की बात कर लें तो पीसी में टोटल जो है 6 लोग गए हैं, दैट मीन परमानेंट कमीशन में। वहीं शॉर्ट सर्विस कमीशन में जब मेल फीमेल की बात करते हैं तो मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट को ही अपॉर्चुनिटी मिल गई है शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो एक बार दिल से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आप सबको। कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन आप अंडर मेंशन कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, नाम तो मेरिट लिस्ट में है बट मेडिकल इशूज़ हैं, उसके क्लैरिटी के बाद उनको पता चलेगा। 11 कैंडिडेट्स के नाम इसमें आए जिसमें आकृति हैं, आस्था सक्सेना हैं, अभय कुमार सिंह हैं, अविनी गुप्ता हैं, कोमल कौर हैं, लीजा तकुंडर हैं, ममता मेहता हैं, मोहम्मद जैद हैं, राहुल सिंह हैं, रोहित कुमार हैं एंड विशाल शर्मा हैं। तो फिर से एक बार बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और इसी के साथ जो एनसीसी स्पेशल विंग के हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, जो एनसीसी स्पेशल रिजर्व वैकेंसी है जो एयरफोर्स विंग से किए हुए होते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, मेल फीमेल दोनों को देखा जाए तो 6 कैंडिडेट फाइनली इसमें शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। एक बार बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जो एनसीसी एयरफोर्स विंग से आए हुए कैंडिडेट्स हैं उनको भी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फाइनल लिस्ट आ चुकी है। और साथ ही हमारे पास फ्लाइंग कोर में परमानेंट कमीशन की भी सीट आई है जिसमें टोटल 5 लोग हैं जो परमानेंट कमीशन कैटेगरी में भी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं फ्लाइंग कोर के अंतर्गत। कुछ बेसिक डिटेल जब आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है। 11 जुलाई की जो है
ट्रेनिंग का जो है डेट है जो स्टार्ट होने जा रही थी, इस डेट को मोटा मोटा दिमाग में रख लें, बहुत नज़दीक है ये डेट आपके पास, तो गेट रेडी फॉर एवरीथिंग। और सब कुछ डिसाइड हो गया, मेडिकल फिटनेस हर चीज़ के आधार पर लिस्ट फाइनली बना दी गई है, एंड ऑब्वियसली जो भी मेडिकल पैरामीटर है वो आर्म फोर्स मेडिकल अथॉरिटीज़ के द्वारा आपके लिए क्लियर किया जाता है, तो दैट इज वेरी क्लियर कट, और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ वेरीफाई हो जाते हैं तभी होता है। कॉल लेटर को दो फॉर्मेट है, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, बाकी आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो IML भी आपको स्कैन कॉपी जो है वो भेज दी जाएगी। एंड इंस्ट्रक्शन बुकलेट विथ फॉर्मेट ऑफ वेरियस फॉर्म्स इज अवेलेबल फॉर द डाउनलोड एट द एयरफोर्स करियर वेबसाइट, तो एयरफोर्स की वेबसाइट पर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं, वहाँ भी जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं। नॉन पोजिशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि अभी क्वालिफाइंग डिग्री का सबमिशन नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट्स का, तो उसके लिए डेडलाइन जो मिली है वो 4 जुलाई की है फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एप्लीकेबल इशू फॉर द कॉल लेटर्स, तो ये जरूरी है। बट इन द केस कि आप जो है अगर नहीं सबमिशन है तो एलिजिबल कैंडिडेट इन द सिलेक्शन लिस्ट हु डू नॉट प्रोसीड द रिक्वेस्टेड प्रूफ ऑफ द एक्यूरिंग द क्वालिफाइंग डिग्री बाई 4 जुलाई बट आर कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग सो मे सीक एंट्री ऑन द बॉन्ड बेसिस, आपको बॉन्ड बेसिस वहाँ मौका मिलेगा जाने का। कॉल लेटर बॉन्ड बेसिस इज बींग डिस्पैच टू द एड्रेस अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड, ठीक है ना, जो भी रिकॉर्ड में अवेलेबल होगा उनको जो है बॉन्ड बेसिस जो है बुलाया जाएगा वहाँ पे, उसी के आधार पे कॉल लेटर आपके पास आएगा। सच कैंडिडेट वुड बी जो है प्रोविजनली इंडक्टेड फॉर द ट्रेनिंग ऑन सबमिशन ऑफ एन एडिशनल बॉन्ड एंड डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 71,280 रुपीज़ का आपको बच्चा डिमांड ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन नहीं है, अगर आप बॉन्ड बेसिस पे वहाँ जा रहे हैं तो। एंड इन फेवर ऑफ कमांडेंट एयरफोर्स अकेडमी, डिटेल में यहाँ दिख रहा है, इन फेवर ऑफ जब DD बनवाने जाएंगे तो इन फेवर ऑफ कमांडेंट एयरफोर्स अकेडमी पेबल एट सिकंदराबाद, स्पेसिमन कॉपी ऑफ द बॉन्ड इज अवेलेबल ऑन द इंस्ट्रक्शन बुकलेट ऑन द वेबसाइट, इंस्ट्रक्शन बुकलेट में जाकर के आप इसका जो फॉर्मेट है बॉन्ड का उसे जाकर देख सकते हैं। द एडिशनल बॉन्ड एंड डिमांड ड्राफ्ट आर टू बी सेंड टू एयरफोर्स हेडक्वार्टर, दे आर टू बी कैरीड अलॉन्ग बाई द कैंडिडेट एंड हैंडेड ओवर एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट AFA। जो एडिशनल आपका बॉन्ड है डिमांड ड्राफ्ट आर नॉट टू बी सेंट एट एयरफोर्स हेडक्वार्टर, मतलब इसको भेजने की जरूरत नहीं, इसको लेके जाइएगा जो वहाँ आप एयरफोर्स अकेडमी में रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्टिंग के टाइम पर रिक्वायर्ड होगा। ज्वाइन अर्निंग ऑन बॉन्ड बेसिस विल बी रिक्वेस्टेड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट ऑल सेमेस्टर्स ईयर्स बिफोर एंड ऑब्वियसली लेटेस्ट बाई 9 सितंबर, 9 सितंबर डेडलाइन है, बट उतना दूर क्या जाना, उससे पहले आप अरेंज करें, उसको सबमिट करें, और जैसे ही आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर देते हैं आपका जो 71,280 रुपीज़ है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। एंड सर्टिफिकेट एंड डिमांड ड्राफ्ट वुड बी रिटर्न, कभी कभी जब ट्रेनिंग के पीरियड से आप हटते हैं तो इन दैट केस टर्मिनेटेड कैंडिडेट जो होते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट एंड डिमांड ड्राफ्ट वुड बी रिटर्न ऑन द प्रोडक्शन ऑफ रिक्वायर्ड ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इशूज बाई द यूनिवर्सिटी एंड अदर रेलेवेंट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, ऑल सर्टिफिकेट वुड बी रिटर्न आफ्टर रिकवरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो जो खर्चे आएंगे उसके रिकवरी की बात करेंगे। बहरहाल इतना नेगेटिव हम नहीं सोचते हैं, इट्स अ पॉजिटिव टाइम टू गो विद द पॉजिटिव अप्रोच। डेट एंड टाइप ऑफ रिपोर्टिंग एट AFA इज गिवन कॉल लेटर, ऑब्वियसली जिसमें आपको बताया गया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 10 सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन रिसेप्शन सेल पे आपको पहुंचना है। एंड अब हो सकता है ये रेलवे स्टेशन पे भी हो एंड एयरपोर्ट पे भी ये बनाया गया हो आपका रिसेप्शन एरिया, बिटवीन 9 AM टू 6 PM बिटवीन 9 to 10 July एंड शुड बी इन पोजिशन ऑफ नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट टेस्ट कंडक्टेड विद इन 72 आवर्स पीरियड इन रिपोर्टिंग, दैट मीन उससे पहले आपका ये RT-PCR रिपोर्ट 72 घंटे की होनी चाहिए। लेट रिपोर्टिंग बाई कैंडिडेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, ये ध्यान रखिएगा किसी भी कंडीशन में किसी भी सर्कमस्टांस में अगर आप लेट रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट आर टू इन्फॉर्म देयर अराइवल प्लान ऑन द मोबाइल नंबर 9550216397, ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, पहुँचने से पहले आपको प्लीज़ इस पर कॉल करके अपनी सारी डिटेलिंग कब कैसे किस तरह पहुँच रहे हैं बताएंगे आप। अदर डिटेल एंड डॉक्यूमेंट टू बी कैरीड एज पर द GE बुकलेट अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट इशूड ऑन द मेन मेरिट लिस्ट, तो ध्यान रखिएगा अभी मेन मेरिट लिस्ट के साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल दी गई, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। लाइबिलिटी डिस्क्लेमर द कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिजल्ट, वो उनसे किसी से मतलब नहीं होता इस चीज़ को लेकर के। और इन्होंने एक पॉइंट और भी रखा हुआ है कि द कंटेंट इन्फॉर्मेशन दिस रिजल्ट मीट ओनली फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट एंड शुड नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांस बी टेकन इन अथॉरिटी, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कन्फर्म द सेम फॉर एयरफोर्स हेडक्वार्टर VV
न्यू दिल्ली एट फोन नंबर 01123010231 और एक्सटेंशन में 7780 7610 पे आप इस बात को बता सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एफ कैट। मैं यही फाइनली कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आई थिंक गुड नंबर ऑफ सेलेक्शन एवरी सिक्स मंथ में हमें देखने को मिलते हैं एफ कैट के अंतर्गत, एंड आई फील रियली फील प्राउड कि बींग अ मेजर कल्सी क्लासेस हम जबरदस्त ऑनलाइन ऑफलाइन पे रिटन क्लासेस के लिए तो हैं एफ कैट के, बट एस एस बी का भी एक जबरदस्त गाइडेंस एंड फोकस हमारी तरफ से है। द पर्पज इज़ ओनली वन कि हम एक बेहतर रिजल्ट लाएँ, बेहतर आउटपुट लाएँ। तो बिल्कुल एम के सी परिवार का हिस्सा बनिए रिटन से लेके एस एस बी तक की जर्नी के लिए और फाइनली मेडिकल तक की जर्नी के लिए, और हर प्रॉस्पेक्ट पे आपको बेहतर गाइडेंस, बेहतर सपोर्ट और बेहतर केयर मिलेगा, और ये बेहतर सपोर्ट एंड केयर आपका फाइनली बेहतर रिजल्ट लाएगा जो इसी तरह की मेरिट लिस्ट में आपका नाम अंकित होगा। फिर से एक बार कंग्रेचुलेशन 2/2021 की जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जिनको फाइनली मौका मिला है फ्लाइंग कोर में, जिनको मौका मिला है टेक्निकल ब्रांचेस के लिए, जिनको मौका मिला ग्राउंड ड्यूटी कैटेगरी में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के लिए, एजुकेशन ब्रांच के लिए, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए, एनसीसी स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए। तो एक बार फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, और ऑब्वियसली एमकेसी का हिस्सा बन के परफेक्ट करिए। एक अच्छा मौका है, हर छः महीने पर 300-350 सीट आती हैं, 700 के आसपास सीट है एयरफोर्स के लिए। अगर वाकई में एयरफोर्स आपका सपना है तो एफ कैट एक बेहतर एंट्री है आपके लिए, और उस एंट्री को बेहतर ढंग से रिटर्न से लेकर एसएसबी तक कोई तैयार करा सकता है तो एमकेसी कर सकता है और आपको बेस्ट बना सकता है। तो विश यू ऑल गुड लक, और दिल से एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। जय हिंद, जय भारत।